ये जो पावन मेला आयोजित किया जाता है, ये भगवान वामन जो कि भगवान विष्णु के अवतार हुए और जब महाराजा बलि को अपने दान देने के ऊपर घमंड आने लगा, तब उसका घमंड चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने बालक का रूप ग्रहण करके वामन का रूप धारण किया और महाराजा बलि से जो कि शुक्राचार्य ने उनका यज्ञ आयोजित किया था कि मैं सब तीनों लोकों पर कब्जा करना चाहते थे, उस आयोजन में उस विफल करने के लिए, उसका घमंड तोड़ने के लिए तीनों लोक पर जो वो विजय प्राप्त करना चाहता था, तब उन्होंने वामन रूप में आके भगवान विष्णु के रूप में आए और उन्होंने माना कि आप बहुत बड़े दानी हैं। तब बलि ने उनको कहा कि आप मांगिए, भगवान बालक का रूप में धारण थे, उन्होंने कहा ये बालक क्या मांगेगा। तब उन्होंने कहा कि मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए। शुक्राचार्य ने उनको मना किया, परंतु राजा बलि देने के लिए तैयार हो गए। तब उन्होंने 3 पग जो मापे, पहले पग में पूरी पृथ्वी, फिर पूरा वो ब्रह्मांड, और जब तीसरा पग उन्होंने रखा तो महाराजा बलि ने समझ गए कि भी ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। तब उन्होंने अपना सिर उसके ऊपर रखा भी, तीसरा जो है आप मेरे इस पर रखिए ताकि मेरा उद्धार हो जाए। तब उन्होंने उसके पग पर रखा और उसको पताल लोक में राजा बनाकर नीचे भेज दिया गया। उसके उपलक्ष्य में ये विश्व भर में भगवान वामन द्वादशी के रूप में मेला आयोजित किया जाता है। पहले ये मेला कुरुक्षेत्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, परंतु किन्हीं कारणों से पिछले 15-20 वर्ष से ये बंद था। स्वामी ज्ञानानंद जी की महाराज की प्रेरणा से श्री ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा ने इसे पुनः 4-5 साल पहले पुनर्जीवित किया और आज इसका 5वां वर्ष है जो हम इस मेले का आयोजन कर रहे हैं। इस मेले में श्री ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा और समाज की अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलके इस मेले का आयोजन करती है। आज पहले यज्ञ किया जा रहा है, उसके बाद वामन पुराण कथा होगी, तत्पश्चात बच्चों के खेल जो हैं प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और उसके पश्चात कल सुबह कथा का समापन और शाम को शहर में शोभा यात्रा का निकालते हुए यहाँ पर इसी तीर्थ पर समापन होगा और उसके बाद हिंडोला भगवान वामन को इसमें सोनेज सरोवर में भ्रमण करा के फिर इसका मेले का समापन होगा। जब ये प्रथा 20-25 साल से बंद हो गई तो लोगों में इस कथा का या इस प्रचलन का पता नहीं चला। अब हम पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए स्कूलों की प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं ताकि आने वाली जनरेशन को ये पता चले कि भी इस प्रकार का आयोजन होता था पहले। हमारा प्रयास है, कुछ समय लगेगा, अभी 1-2 साल और लगेंगे इस मेले को पूर्ण रूप से जागृत करने में समय लगेगा, किंतु समय की मांग के अनुसार थोड़ा थोड़ा समय लगे, परंतु हम इस मेले का पूर्ण रूप से बहुत बड़े स्तर पर लेके चलेंगे।